स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही बड़े होंगे और आज की इस बेहतरीन क्लास को बहुत ही इंजॉय तरीके से देख रहे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं। बेसिकली जैसे कि हमने समझा था, लैंड रिसोर्सेज को सर पिछली क्लासेज में कल की क्लास में यानी कि लेक्चर नंबर 4 तक सारी डाउट्स क्लियर कर लिए थे कि सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है। बेसिकली सॉइल कंजर्वेशन तक ही आपका टॉपिक था, तो आज हम लोग इस चैप्टर का एंड करने वाले हैं। चलिए जुड़ते हैं हाउ टू गेट नोट्स में। सर, नोट्स कैसे ले सकते हैं? तो बेसिकली आप लोग को नोट्स कैसे लेना है, ऐप के में चले जाना है। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। बोलो क्लियर है? क्या क्लियर है सर? ठीक है, आगे चलेंगे तो आगे आपका मिलेगा एक लाइव, ऐप में जाएंगे ना तो लाइव डाउट सॉल्वर मिलेगा, ठीक है, सेक्शन। तो इसमें प्लीज़ जाना, इसमें ज़रूर जुड़ना लाइव डाउट सॉल्वर में। आप लोग इसमें लाइव जुड़ सकते हैं, कोच मतलब टीचर से इंटरेक्ट करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जो भी डाउट्स आपके होते हैं वो डाउट पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। चले तो इन्जॉय करेंगे अपने इस सेजन को और स्टार्ट करते हैं व्हाट विल वी लर्न टुडे। अरे संधि समान परिचय, ये क्या आ गया? चलिए कोई ना, हम इसको मिटा देते हैं। आ गया तो ये पीपीटी वाले, अगला बार क्या होता ना उल्टा हो गया था क्या? हाँ, पिछले क्लासेस में क्या हुआ, अगला उल्टा हो गया, व्हाट विल भी आगे आ गया और ये सब, ये बहुत ही ख़राब चीज़ है ना। चलिए हम इसको एक बार इरेज कर देते हैं। अच्छा, ये ब्लैक भी नहीं है, देख रहा है, देख रहा है विनोद, कैसी कैसी गड़बड़ी होती है। एक मिनट जरा सा रुक जाओ, इसको मैं बस इरेज कर दूँ, ठीक है। हाँ लो, हो गया इरेज। चलो देखो इसमें क्या करते हैं। तो सिंपली व्हाट विल वी लर्न टुडे, आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे बस, और क्या, उसके बाद इस सेशन को एंड करेंगे और इस चैप्टर को भी एंड करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग का लास्ट क्लासेस है इस चैप्टर का। मंडे से जो भी क्लासेस होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिविक्स की क्लासेस को एंजॉय करेंगे, ठीक है। सिविक्स की क्लासेस में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है सबसे पहला, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल? जल्दी से बता दीजिए, इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं? सैंडी सॉइल, रेगर सॉइल, रेड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। इसको हम लोग बोलते हैं रेगर सॉइल। क्या बोलते हैं? रेगर सॉइल। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, ठीक है। हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे, आप लोग मैच करते चलना। व्हाट इज़ द केमिकल दैट डिस्ट्रॉयज़ द रिप्रोडक्शन ऑफ फ्रॉग? तो कौन सा केमिकल होता है जो रिप्रोडक्शन ऑफ फ्रॉग को डिस्ट्रॉय करता है? यार डिस्ट्रॉय करता है, तो कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो आंसर नंबर यूरिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द मेन काउज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? तो लैंड डिग्रेडेशन का क्या पंजाब में क्या चीज़ था? तो ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, सॉरी ओवर इरीगेशन, ठीक है, आंसर नंबर डी। आइए चलते हैं। इन विच स्टेट इज स्टेयर फार्मिंग प्रिवेलेंट? तो कौन सा स्टेट में स्टेयर फार्मिंग प्रिवेलेंट था? तो ये आपका प्लेन्स ऑफ बिहार, उत्तराखंड, उत्तराखंड में था, ठीक है। चलिए, वेयर डू वी फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ एरिड सॉइल? एक्सटेंशन ऑफ एरिड सॉइल को कहाँ फाइंड कर सकते हैं? तो ये आपका क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैं कहूँगा आप अपने से लिखिए, अपने से चेक कर लें एक बार, ठीक है, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन मैं आपके भरोसे छोड़ देता हूँ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की, जो शॉर्ट क्वेश्चंस सर जो आती है, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेम द स्टेट्स हैविंग एक्सटेंशन ऑफ अलुवियल सॉइल? तो अलुवियल सॉइल का कौन कौन स्टेट है जो एक्सटेंशन रखता है, ठीक है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश। इतना नहीं लिखना, पाँच लिख देना, ठीक है, इसमें से पाँच कोई लिख देना, मैं इतना लिख दिया बस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्टूर एग्रीकल्चर? कॉन्टूर एग्रीकल्चर क्या होता है? तो हमने समझा था कि जो ये एक टेक्निक है, ये क्रॉप्स को प्लांट करने का एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पर जो स्लोप्स होता है रिड्यूस करने, सॉइल इरोजन को रिड्यूस करता है ये बेसिकली, है ना, बाय क्रिएटिंग टेरेसेस एंड प्लांटिंग परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ होता है, मतलब सीढ़ी देखो है ना, वही सीढ़ी जैसा कुछ इसका होता है स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा कुछ, रुक जाओ मैं बना ही देता हूँ उसको। तो ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, और ये मतलब क्या ही मैं बताऊँ, रुक जाओ, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है यार, है ना, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है। तो अगर आपकी ड्राइंग अच्छी होगी तो प्लीज़ यार बना लेना, खुद से एक बार बना के चेक कर लेना। तो ये ऐसा कुछ फार्मिंग होता है और यहाँ पर प्लांट किया जाता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। विच मैथड ऑफ एग्रीकल्चर इज यूज इन वेंड इरोजन एरियाज? तो कॉन्ट्रो प्लॉफिंग आपने पढ़ा होगा,
है ना, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया आर रिवर डेल्टाज फॉर्म, व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ सॉइल हियर, तो कौन सा पार्ट में सर इंडिया का डेल्टा जो फॉर्म होता है रिवर का कौन सा पार्ट में होता है, ये भी हमने पढ़ा है ना। सी और लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर में फॉर्म होता है, गंगापुत्र में डेल्टा फॉर्म होता है ना, तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा फॉर्म होता है। द सॉइल इन दिस डेल्टा इज फर्टाइल एंड रिच इन एलुवियल डिपॉजिट्स मेकिंग इट एक्सलेंट फॉर एग्रीकल्चरल, और एग्रीकल्चरल के लिए जो मेकिंग होता है ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए, ये सारे क्वेश्चन सर हमारे नोट्स के ही है, जो नोट्स पढ़ते हैं हमारे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से नोट्स मैं बना के लाता हूँ यार, प्लीज़ उसे पढ़ा करो, ठीक है। वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज हाउ इज क्रॉप रोटेशन हेल्पफुल इन द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, पिछले ही लेक्चर्स में समझाया था कि क्रॉप रोटेशन कैसे कंजर्व कर सकता है सॉइल को, ठीक है, उसे इस वीडियो को देख लेना अगर नहीं जानते हो तो, ठीक है। अब हमारा यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन सर, हाउ वाटर लॉगिंग इज क्रिएट, व्हाट इज इट्स रोल इन सॉइल इरोजन, तो इसको यार पढ़ लेना एक बार और बना लेना, ठीक है। वैसे मैं सारे कुछ समझा चुका हूँ, सॉइल इरोजन को भी समझा चुका हूँ, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग वेरी लार्ज कैटल पॉपुलेशन, इट्स कंट्रीब्यूशन इन इंडिया थ्री इकोनॉमी इज ऑलमोस्ट नील एजुकेशन, अरे इसको छोड़ दो, इस क्वेश्चन को मत ट्राई करो, इसको हम डिलीट कर देंगे पीपीटी सर, ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई मत करना, फालतू क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को एंड करने का समय आ गया है। देखो यार, मैं पीपीटी बहुत ही अच्छे तरीके से बनाता हूँ, ठीक है, नोट्स सारे जो है बहुत अच्छे तरीके से लिख देता हूँ आप लोग के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी नहीं करते हैं, ठीक है। जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर काम करने में उसको वो बोलते हैं क्या कि बहुत ही बड़ा काम है ना, ऐसा नहीं, बहुत ही बड़ा काम नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, उसके पहले हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं अगली क्लास में क्या आपका पढ़ने वाले, अरे तो यार इसके पीपीटी डिलीट हो चुके हैं, मतलब ये सारी जो टैब है ना हैंग हो गई है, तो कनेक्शन भी लिख रहा है, ठीक है, तो कनेक्शन क्लोज हो चुका है बेसिकली, तो नोट्स इसके नहीं मिल पाएंगे, सॉरी आई देख रहा है प्रिंट भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ यार वे कुछ कॉपरेट कर लेना आप लोग, नहीं हो पाएगा इसमें, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, ठीक है, तो इसके नोट्स नहीं मिलेंगे, बहुत ही दुख की बात है कि इस एक्सरसाइज डिस्कशन के मैं नोट्स नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। अच्छा चलो, मैं एनोटेशन वाला नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ वैसा डाउट्स मैं वो खाली जो लिखा हुआ होगा ना उसको मैं दे दूँगा, वो पीपीटी जो होगा वही दे दूँगा मैं तुमको, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक मतलब कोर्स से कनेक्शन देख रहा है क्लोज़ हो चुका है, ठीक है, तो मैं मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बाय, टेक केयर, फिर ख्याल रखना अपना और पढ़ाई करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइव डाउट प्रोग्राम में जरूर जुड़ना यार, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।